नमस्कार, मेरा नाम राघव तिवारी है। मैंने एक राज एक किरानी, हालांकि कलर्स में आता था सेट को। और मेरा सबसे प्रसिद्ध शो सी टी वी में हमारी वाली को न्यूज़, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस बार। दो साल बाद तब तो शाम लीला इतने बड़े इतने भव्य तरीके से आयोजित हो रही, और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है दमकुश रामलीला कमेटी के साथ जुड़ने का और प्रभु श्री राम के किरदार को निभाने का। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी मच ऑनर्ड। सो एनी क्वेश्चंस? सर, आपने इससे पहले राम का किरदार निभाया है? जी नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम ही है एंड आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड एंड आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड कि नई तरीके से एक नए तरीके से मैं भगवान श्री राम का कैरेक्टर आप लोग के सामने सर भगवान से सवाल लेना चाहूँगी। भगवान श्री राम का मुख्य रूप से इसके अंदर रोल होता है रामलीला की, अगर हम बात करें तो इसमें आपने खुद आवेदन किया या फिर आपको वहाँ से यहाँ से मतलब रामलीला की तरफ से आमंत्रित किया जाता है भगवान श्री राम के रोल के लिए? नहीं नहीं, ये तो हमने आमंत्रित किया है आपको, आपने आवेदन नहीं किया, ना इनको आवेदन करने की आवश्यकता है। ये लवकुश श्यामला कमेटी डिसाइड करती है कि किन लोगों को हमें आमंत्रित करना है। तो राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को, रावण जी को हम लोगों ने इनवाइट किया है और ये हमारे इनविटेशन के ऊपर हमारे बीच के अंदर आए हैं और इस बार लवकुश श्यामला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाएंगे। अब मैं माँ सीता जी, तिवारी जी, आप राम का रोल निभा रहे हैं जी, क्या आपने राम के चरित्र को आत्मसात किया है? जी बिल्कुल किया। देखिए, हम थिएटर के माध्यम से प्रभु श्री राम, जैसे हम लव कुश रामलीला या रामलीला है थिएटर का माध्यम, यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज को लाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बॉडी लैंग्वेज में ज़्यादा काम किया है। प्रभु श्री राम के शारीरिकता थी, उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा, तो वो कैरेक्टर के ट्रेट्स मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज में लिखा, तो उसकी मैंने ज़्यादा अभ्यास किया बिकॉज यहाँ पर ऑडियंस ज़्यादा है। यहाँ पे जैसे आप टेलीविजन या फिर आप कैमरा और थिएटर में यही फ़र्क है कि वहाँ हम टेक्निकली हमारे पास प्रोजेक्शन होता है, यहाँ आर्टिस्ट अपने किरदार को कैसे तैयार करता है, कैसे प्रिपेयर करता है, बॉडी लैंग्वेज कैसी रखता है और कैसे उस कैरेक्टर के अंदर घुलता है, वो सब चीज़ें होती हैं जिससे हमारा कैरेक्टर तैयार होता है और ऑडियंस उतनी ही एंटरटेन होती है। तो मेरा ज़्यादातर अभी जो फोकस रहा है वो बॉडी लैंग्वेज और प्रभु श्री राम के स्वभाव उस पर। आई होप सब लोग बहुत एंटरटेन भी होंगे और कुछ नए तरीके से प्रभु श्री राम भी देखेंगे। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ माँ सीता जी से, जो हमारी अनुरोध पर यहाँ दिल्ली में पधारी हैं देवलीना चटर्जी। नमस्ते, जय श्री राम। मैं देवलीना चटर्जी और अर्जुन सर और पूरे लवकुश रामलीला कमेटी को बहुत बहुत मेरे दिल से धन्यवाद बताना चाहूँगी क्योंकि आपने मुझे बुलाया और यहाँ पे इतने बड़े स्टेज में मुझे परफॉर्म करने का मौका मिलेगा पहली बार। हालांकि मैंने मेरा करियर का शुरुआत आमी आदू बंगाली मूवी से किया था और जिसको नेशनल अवार्ड में मिली थी एंड उसके बाद मैंने कंटिन्यू टेलीविजन में भी, हिंदी टेलीविजन में आपने मुझे देखा है। मेरा पहला शो था सजदा तेरे प्यार में स्टार प्लस में एंड लीड में एंड देन संकट मोचन महाबली हनुमान में मैंने माता सीता का ही भूमिका निभाया था और बालिका वधू ससुराल सिमर का सिया के राम विघ्नहर्ता गणेशा रक्षाबंधन बहुत सारे टेलीविजन शो में आपने देखा है मुझे और बहुत सारे एड्स में भी मैं काम कर चुकी हूँ, मूवीज भी कर चुकी हूँ। फिलहाल ये मेरा पहला एक्सपीरियंस रहेगा लाइव परफॉर्मेंस करने का और लाइव स्टेज में नए लोगों के सामने परफॉर्म करने का, ये मेरे लिए एक नया अनुभव है और मैं तहे दिल से इस कमेटी को और ऑब्वियसली दिल्ली जैसे शहर, दिल्ली इतने बड़े शहर में लाल किले के सामने परफॉर्म करने का मौका, मतलब मेरे मम्मी पापा तो बहुत खुश हैं और वो ज़रूर देखेंगे इसको और मेरे चाहने वाले जो भी है मैं सबको लिंक भेजना चाहूँगी और नई पीढ़ी को के लिए भी रामायण एक आदर्श है क्योंकि यहाँ पे जो भी कैरेक्टर है कुछ ना कुछ सीख हमें मिलती है, मतलब आज के टाइम पे भी वो त्रेता युग के स्टोरी के हिसाब से भी वो टाइम के सीख आज मुझे मिल, मतलब आज हमें मिलते हैं। जैसे अर्जुन सर ने बोला कि वहाँ पे जो प्रेम था भाई के साथ, पति पत्नी के साथ, तो सच में वो वहाँ से बहुत कुछ सीख मिलती है और मैं चाहूँगी कि नई पीढ़ी को ये सीख मिले, मिलते रहे।
समय हमारे बीच में राम जी के छोटे भ्राता लक्ष्मण जी, अरुण मंडोला जी, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ वो आपसे मुखातिब हो। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। मैं धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले लवकुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष श्री अर्जुन अग्रवाल जी का और हमारे महामंत्री सुभाष गोयल जी का, जो उन्होंने मुझे एक बार फिर मौका दिया कि लवकुश रामलीला में आकर मैं लक्ष्मण के कैरेक्टर को प्ले कर सकूं। वैसे इससे पहले दो बार पहले भी मैं संकट मोचन महाबली हनुमान में लक्ष्मण का कैरेक्टर प्ले कर चुका हूँ और सोनी टीवी के शो विघ्नहर्ता गणेश में भी लवकुश का लक्ष्मण का कैरेक्टर प्ले कर चुका हूँ। जैसे कि अर्जुन जी ने भी कहा कि वो हमको इनवाइट करते हैं यहाँ पर बुलाने के लिए, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारा सौभाग्य है कि ये जो कार्य होते हैं ना, ये ईश्वरीय कार्य होते हैं। बिना भगवान की परमिशन के इस प्रकार के कार्य नहीं हो सकते। और पहले करने के बाद मैं फिल्में भी कर चुका हूँ और मेरी जो जिज्ञासा है यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर आपको हज़ारों लाखों लोगों को देखने का मौका मिलता है, कई लोगों से आप रूबरू होते हैं, आपको फीडबैक मिलता है, एज एन एक्टर हमें समझने का मौका मिलता है, टेक्निकल चीज़ें समझ में आती हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, जो फिल्मों के अंदर हमें नहीं समझ में आती, जो सीरियल में नहीं समझ में आती। कई फिल्में कई सीरियल्स करने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर रहा है, जो मैंने यहाँ पर सीखा है, उतना मुझे कहीं भी सीखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर लाइव फीडबैक मिलता है। आपकी एक गलती और आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा पब्लिक से। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी से, अगर आप इसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो। जैसा अखिलेंद्र मिश्र जी ने कहा, देखिए रामलीला के अंदर तो रीटेक नहीं है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर रीटेक हो जाता है। और ये दिल्ली वालों का सौभाग्य है कि लवकुश रामलीला कमेटी के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर लवकुश रामलीला कमेटी को, चाहे वो डीडी भारती हो, दूसरे डिफरेंट चैनल्स हो, यूट्यूब चैनल्स हो, फेसबुक हो और बहुत सारे डिफरेंट चैनल से लवकुश रामलीला कमेटी पूरी दुनिया के अंदर जाएगी। चाहे आप अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के अपने मोबाइल के ऊपर देख सकते हैं, क्लिक करके अपने लैपटॉप के ऊपर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं इस प्रभु राम के काम के अंदर, जहाँ हमने लीला का मंच 180 फुट लंबा और 60 फुट चौड़ा बनाया है, उसके अंदर जो राम लला का मंदिर बना है, हमारी थीम भी यही है कि राम लला के मंदिर के अंदर राम की लीला। और भव्य जो है आप देख सकते हैं कि राम का मंदिर तैयार है, ये प्रभु की कृपा है, ऊपर वाला ज़्यादा मेहरबान है और खुश है कि अनेक दिन से जो है वर्षा हो रही है। मैं समझता हूँ कोई अच्छे काम के लिए बारिश होना ये भी एक शुभ का लक्षण है। और इस शुभ लक्षण के अंदर जो है 26 सितंबर से आप यहाँ पर आएंगे, आप सह परिवार यहाँ पर आमंत्रित हैं, जितने भी हमारे प्रेस के भाई यहाँ पर बैठे हैं सभी आप सह परिवार आमंत्रित हैं। आप आए यहाँ पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी और झोलों का आनंद लें, तभी मैं समझता हूँ कि लवकुश रामलीला कमेटी का कार्य करना एक सार्थक होगा। और इतने सारे जो हमारे मेहमान जो फिल्मी दुनिया से हमारे बीच के अंदर आए हैं आज, आप निश्चित रूप से ज़्यादा आप प्रचार व प्रसार जब राम का करेंगे तो रामलीला के इस प्रचार के अंदर हमारी नौजवान पीढ़ी और ज़्यादा अधिक आकर्षित होगी और इसके अंदर संस्कार बनेंगे, संस्कार बनेंगे तो समाज बनेगा, समाज बनेगा तो देश बनेगा, देश बनेगा तो इस रामायण के माध्यम से भाईचारा, प्रेम, प्यार, मोहब्बत बढ़ेगा और देश जो है खुशी के साथ और आगे बढ़ेगा। यही हम शुभकामनाएँ करते हैं। अगर किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछें, उसके पश्चात एक फिर जो है इकट्ठी पिक्चर बनेगी। देखिए 80 फुट, 90 फुट और 100 फुट। अच्छा, क्या क्रैकर्स? क्रैकर्स को हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स उसमें रहेंगे, सिर्फ हल्की सी साउंड के लिए। हम दिल्ली के निवासियों का किसी प्रकार से कोई भी पोल्यूशन नहीं बढ़ाना चाहते, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करें। हम कोई पोल्यूशन, लवकुश रामलीला कमेटी के हमारे पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, हमारा निर्णय है हम कोई भी किसी प्रकार का पोल्यूशन दिल्ली के अंदर नहीं बढ़ाएंगे, दिल्ली को हरा भरा बनाएंगे और आने वाले मेहमानों को हम छोटे छोटे पौधे उनको भेंट करेंगे, आपको भी करेंगे, जिससे कि आप भी इसमें सहयोग करें और दिल्ली को हरा भरा बनाएं। हमारा 80 फुट, 90 फुट और 100 फुट के जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले होंगे उसमें घास होगी और कुछ हम ग्रीन पटाखों का उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे और पिछले वर्ष के जितने साउंड ट्रैक हैं उनका हम इस्तेमाल करेंगे, जिससे दर्शकों को और टीवी के ऊपर देखने वालों को
ये लगेगा कि बहुत भारी आतिशबाजी हो रही है, उसी साउंड इफेक्ट का वो आनंद ले सकेंगे, ये हमारा निर्णय है सर। क्योंकि कोरोना महामारी के कारण 2 साल बाद रामलीला का मंचन होने जा रहा है, तो ऐसे में सुरक्षा की क्या व्यवस्था है आप लोगों ने? देखिए, जहाँ देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराते हैं और ऐतिहासिक लाल किला है, आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लॉन यहाँ पर बना हुआ है, चारों तरफ इसके जो है बाउंड्री वॉल है, उसके ऊपर लोहे की ग्रिल लगी हुई है, उसके बाद हमारी लोहे की चादर लग गई है, चार चार अंदर मचाने बनी हुई हैं, मचान के साथ साथ 125 यहाँ पर CCTV कैमरेज हैं, हमारे 500 के करीब हमारे कार्यकर्ता रहेंगे, 125 के करीब यहाँ पर हमारे कमांडोज रहेंगे, और मैं समझता हूँ सुरक्षा की दृष्टि से हमारे पास दिल्ली पुलिस का भी पूर्ण रूप से सहयोग है, और प्रभु राम की कृपा से बहुत सुंदर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। चार चार हमारे इसके अंदर गेट है, एक VIP के लिए है, एग्जिट के लिए है, एक आम जनता के लिए है, तो इस किस्म की हमारे पास व्यवस्था है। और जो हमारा मुख्य द्वार है उसके ऊपर हम प्रभु राम का बहुत ही सुंदर एक स्टैचू रहेगा, जो हमारे जितना भी दरियागंज वाला एरिया है वहां से आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर, क्योंकि 26 तारीख से रामलीला शुरू होगी तो मुख्य द्वार हमारा तैयार हो जाएगा और उसके ऊपर राम का एक स्टैचू बनाया गया है। हमारे पास कलकत्ता से आर्टिस्ट आए हैं, उन आर्टिस्टों ने पिछले 3 महीने से वो स्टैचू तैयार किया जा रहा है, बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पहले दिन रामलीला के अंदर। दूसरा जो हमारा VIP गेट है, जिस रास्ते से प्राइम मिनिस्टर आते हैं उसके ऊपर जो हमारा मुख्य द्वार बन रहा है, उस द्वार के ऊपर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रहेगा, और हम अंदर भी प्रभु राम की कृपा हुई तो अंदर जैसे ही बारिश बंद होती है तो हम कर्तव्य पथ भी बनाने जा रहे हैं। सेंट्रल विस्टा जो नई पार्लियामेंट बनी है वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो हम देश के साथ हैं, अगर देश है तो हम सब हैं, और हम सब जो है देश के साथ साथ चलेंगे, और लव कुश रामला कमेटी बहुत सारी नई चीजों को आयाम देगी जो आप यहाँ पर आएंगे और उसका आनंद लेंगे। देखिए, हम लव कुश रामला कमेटी के अंदर